वेलकम बैक टू माई चैनल बिजू का पाठशाला। मैं नितिन आपको आज सिचुएशन टेस्ट घर में रह के किस तरीके से तैयारी की जाती है उन चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि घर बैठे आप सिचुएशन टेस्ट की तैयारी कैसे कर सकते हैं। सिचुएशन टेस्ट 20% ऑफ वेटेज आपके निफ्ट के एग्जामिनेशन के बाद का जो दो पेपर के बाद का सिचुएशन टेस्ट को माना जाता है और इस पर 20% वेटेज होते हैं। तो 20% वेटेज कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है। आपका आपको सीट मिल अवेलेबल हो सकता है निफ्ट के अंदर। तो 20% के लिए तैयारी के लिए, घर बैठे तैयारी करने के लिए क्या क्या चीज़ करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, करंट टॉपिक डिसाइड करना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से करंट टॉपिक हैं। करंट टॉपिक लाइक सपोज मनी के टॉपिक हम ले सकते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, विजुअल विंडो डिस्प्ले हो गया, वेडिंग का ले सकते हैं, ओपन रेस्टोरेंट ले सकते हैं, ओपन थिएटर ले सकते हैं, फ्यूचरिस्टिक कार ले सकते हैं, फ्यूचरिस्टिक शूज ले सकते हैं। इस तरीके चीज आप तरह के टॉपिक पहले आप 10 टॉपिक्स आप अपने पास लिख लीजिए। 10 टॉपिक्स लिखने के बाद आप क्या कीजिए कि घर में आपके पास जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं या फिर यूज करने वाले लाइक बटन्स हो गए, लाइक स्ट्रॉ हो गए, लाइक मैच स्टिक्स हो गए, ईयरबड्स हो गए, कलरफुल स्केच पेन हो गए, तो इस तरह के मेरे कार्डबोर्ड्स हो गए, शाइनी पेपर हो गए, ये सारी चीज़ आप अरेंज कर लें। फिर आप जज करें कि किस टॉपिक के लिए कौन सा मटेरियल ज़्यादा सुटेबल है। आप उसे सॉर्ट कर करके एक बंच तैयार कर लें, 10 बंच इस मटेरियल के बंचेस आप तैयार कर लें। लाइक उसमें कार्डबोर्ड शाइनी पेपर भी आप अलग अलग चीजों में डाल सकते हैं, बट आप 10 बंचेस तैयार कर लें मटेरियल के। तो मटेरियल लिस्ट में बहुत सारे मटेरियल लिस्ट हो सकते हैं, आपके अवेलेबल जो मटेरियल आपके घर में है उन मटेरियल को आप यूज कीजिए उन टॉपिक के अकॉर्डिंगली। तो 10 टॉपिक्स आपके पास हो गए प्लस 10 बंचेस ऑफ पेपर और कार्डबोर्ड्स और मटेरियल एक्स वाई जेड स्ट्रॉ वगैरह कुछ भी हो सकता है, वो आप अरेंज कर लें। और फिर उसके बाद आप जज करें कि किस किस में जाएगा। उसके बाद आप जब बंच कर लेते हैं तो आपके पास टॉपिक भी हो जाता है, मटेरियल भी अवेलेबल हो जाता है। फिर एक एक टॉपिक को आपको उठाना है और सारे मटेरियल को आपको उसके अकॉर्डिंगली उन चीज़ों को मॉडल के रूप में क्रिएट करना है। जब आप इस चीज़ की प्रैक्टिस आप कर लोगे अपने आप, तो क्या होता है क्या क्या कि जब आप एग्जामिनेशन में बैठोगे, जब आपके पास कोई टॉपिक आएगा तो आप उसको इजिली हैंडल कर सकते हो। बिकॉज की सारी चीज आपके दिमाग में पहले से वो चीज बना हुआ होता है कि हाँ मुझे इस मटेरियल को इन चीजों से रिलेट करना है, तो इस तरीके से आपका मॉडल भी फिनिश हो जाता है। तो थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ।